pre-systemic elimination during transfer from the site of exposure to the systemic circulation, जब टॉक्सिक एंड अल्टीमेट टॉक्सिक एंड ट्रांसफ़र हो रहा होता है एक्सपोजर की साइट से सिस्टमिक सर्कुलेशन तक। हमने पढ़ा था कि एक्सपोजर साइट एक्सटर्नली इंटरनली कुछ भी हो सकती है, स्किन हो सकता है, म्यूकोजा ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो सकता है, वहाँ से ट्रांसफ़र होगा और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, मतलब ब्लड कैपिलरीज तक जाना। टॉक्सिकेंट्स में भी एलिमिनेटेड, टॉक्सिकेंट्स क्या हो सकते हैं, बीच में एलिमिनेट भी हो सकते हैं। दिस इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर केमिकल्स, ये कोई कॉमन सी बात नहीं है केमिकल्स के लिए। केमिकल्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये अनयूजुअल नहीं है केमिकल्स के लिए कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से केमिकल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, बिकॉज दे मस्ट फर्स्ट पास थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स। अच्छा, क्या कहते हैं कि इनको सबसे पहले पास होना चाहिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के म्यूकोसल सेल से, लिवर से और लंग से, बिफोर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। बाकी सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले ये जो केमिकल्स हैं इनको एब्जॉर्ब होना होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, इनको एब्जॉर्ब होना होता है। तो पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स लिवर और लंग में जाएंगे, उसके बाद किसी और रेस्ट ऑफ द बॉडी बाय द सिस्टम सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी में जाएंगे। द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा इन द लिवर में एलिमिनेट अ सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ टॉक्सिकेंट। अब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा और जो लिवर हैं वो एलिमिनेट कर सकते हैं टॉक्सिकेंट का एक सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ड्यूरिंग इट्स पैसेज थ्रू द टिश्यूज, जब वो वहाँ से ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो उस पैसेज के थ्रू ये अपने कुछ टिश्यूज को एलिमिनेट कर सकते हैं, डिक्रीजिंग इट्स सिस्टमिक अवेलेबिलिटी। इस तरह से उनकी सिस्टमिक अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल इन्होंने दी है एथेनॉल की, कि वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, कम हो सकता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा में। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की वजह से इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और साइक्लोस्पोरिन इज रिटर्न फ्रॉम द साइक्लोस्पोरिन वापस आ जाएगा इंटेस्टाइट से इंटेस्टिनल ल्यूमन में पी ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से। पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, एक एटीपी डिपेंडेंट ज़ीनोबायोटिक ट्रांसपोर्टर है, उसकी वजह से एंटेरोसाइट से टॉक्सिकेंट जो है वो वापस इंटेस्टिनल ल्यूमन में आ जाएगा एंड इज़ ऑल्सो हाइड्रोक्सीलेटेड बाई साइटोक्रोम P450। अच्छा, पहले वो रिटर्न होगा, फिर हाइड्रोक्सीलेट होगा साइटोक्रोम P450 से इन सेल्स में। मॉर्फिन इज ग्लूकोरोनेटेड इन इंटेस्टिनल, मॉर्फिन ग्लूकोरोनेटेड होगा इंटेस्टिनल म्यूकोसा में और लिवर में। एंड मैग्नीज इज टेकन अप फ्रॉम द पोर्टल ब्लड, मैग्नीज जो है वो पोर्टल ब्लड लेता है लिवर और एक्सक्रीट कर देता है बाइल में। मैग्नीज क्या कर रहा है, टेकन अप फ्रॉम द पोर्टल ब्लड, पोर्टल ब्लड को ले रहा है लिवर इनटू लिवर और एक्सक्रीट कर रहा है बाइल में। इस तरह के जो प्रोसेसेस हैं वो प्रिवेंट कर देते हैं कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स के, हमने एक केमिकल्स की जो क्वांटिटी कंसिडर की होती है उसको प्रिवेंट कर देते हैं फ्रॉम रीचिंग द सिस्टमिक ब्लड के, वहाँ तक सिस्टमेटिक ब्लड तक उतनी जो क्वांटिटी है वो नहीं पहुँचती है केमिकल्स की। दस प्री सिस्टमिक और फर्स्ट पास एलिमिनेशन रिड्यूसेस द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ केमिकल। जो प्री सिस्टमिक या फर्स्ट पास एलिमिनेशन जो होता है वो टॉक्सिक इफेक्ट के जो केमिकल्स के होते हैं उनको कम कर देता है। दैट रीच योर टारगेट साइज पर जो वो पहुँचते हैं बाय वे ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू जो पहुँचते हैं, तो उसमें प्री सिस्टमिक एलिमिनेशन कम कर देता है टॉक्सिक इफेक्ट्स जो केमिकल्स के होते हैं। कंट्रास्ट में क्या कहते हैं भाई, प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन प्री सिस्टमिक एलिमिनेशन में जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं डाइजेस्टिव म्यूकोसा लिवर लंग्स के इंजरी को किसी केमिकल्स के थ्रू, जिस तरह से इथेनॉल हो गया, आयरन सोल्स हो गया, अल्फा अमेनिटिन हो गया एंड पैराक्वेट हो गया, क्योंकि ये प्रोसेसेस प्रमोट करते हैं डिलीवरी टू दो साइड, उन साइड्स पर डिलीवरी जब प्रमोट करेंगे तो ये प्रोसेसेस प्री सिस्टमिक एलिमिनेशन में इंजरी कॉज कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट प्री सिस्टमिक एलिमिनेशन।